सात जन्मों का साथ निभाने का किया था वादा, शादी के सातवें दिन ही टूट गया बंधन, हाथों की मेहंदी भी नहीं थी छूटी और थाने पहुंच गई दुल्हन, पति पर लगाए दुष्कर्म के आरोप। आपको बता दें कि रीवा जिले में एक शिकारी दूल्हे ने एक युवती से शादी की, इसके बाद अगले शिकार पर निकल पड़ा। दूसरी दुल्हन जब ससुराल पहुंची तो दोनों ही पत्नियों का सामना हो गया, लेकिन आरोपी इतना शातिर निकला कि नई नवेली दुल्हन को बंधक बनाकर शिकारी दूल्हे के हवाले कर दिया। इसके बाद नई नवेली दुल्हन की हर रोज असमत लूटी जाने लगी। घटना रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, पीड़ित ने बताया कि ग्राम लौड़ी निवासी वीरेंद्र द्विवेदी नामक युवक अपने माता पिता के साथ उसके घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंचा था। आरोपियों को पता था कि लड़की के पिता उसके लिए वर की तलाश कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2024 को दोनों ही शादी के बंधन में बन गए, लेकिन जब लड़की विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो पता चला कि उसकी शादी पहले ही ज्योति त्रिपाठी नामक लड़की से कुछ समय पहले हो चुकी है। जब पति और उसके माता पिता को ये पता चला कि अब उनके राज का पर्दाफाश हो चुका है, तो आरोपियों ने लड़की का मोबाइल फ़ोन छीन लिया और जब वह मायके जाने की जिद करने लगी तो उसे एक कमरे में धकेल कर बंद कर दिया गया। शादी के बाद लड़की ने जो सपने सजाए थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीड़ित ने बताया कि दूल्हा वैसी दरिंदगी की तरह उसके ऊपर झपट्टा पड़ता और उसे बंधक बनाकर निरंतर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। कई दिनों बाद जब उसे मौका मिला और फ़ोन पर बात हुई तो उसके माता पिता घर पहुँच गए और लड़की को वापस मायके ले आए। इस मामले की शिकायत गढ़ थाने में की गई, हालांकि इस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित आज एसपी कार्यालय पहुंची है, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आवेदन दिया गया है। मेरी शादी 20 अप्रैल को हुई थी 2024 में, और उसके बाद जब मैं मेरे ससुराल गई तो मुझे बाद में पता चला 27 तारीख को कि मेरे पति पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी ने खुद आकर अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी और उसने कहा कि वीरेंद्र द्विवेदी की शादी मुझसे हुई है और इसने अभी दूसरी शादी कर ली। और फिर उसके बाद मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं किससे बात भी नहीं हो पा रही थी मेरे घर वालों से। उसके बाद फिर मैं अपने बैठी रही, रात भर सोचती रही कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस दूसरे दिन खाना खा के मैं किचन में बैठी थी तो मेरे ससुर बृजलाल द्विवेदी, सास कुसुमलता द्विवेदी और उनके बड़े बेटे सुरेंद्र द्विवेदी आए और मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, पर मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती की और मुझे घसीट कर उसके कमरे पे कर दिया और उस बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तीनों ने, जहाँ से वीरेंद्र द्विवेदी पहले ही बैठा हुआ था, और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। ये बताइए कि आपकी शादी कहाँ हुई थी? शादी कहाँ हुई थी? शादी मेरी हुई थी लौरी में। पहले जब आपको ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? नहीं, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। यही बताया गया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और शहडोल में रहते थे लोग और अच्छा कमाता है और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बस यही पता था। और अपनी बड़ी बड़ी बातें की उन लोगों ने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। शादी के बाद आपसे जब ये घटना आपको पता चली तो क्या बता रहे थे आपको आपके पति और? यही बता रहे थे कि नहीं, हम लोग जानबूझ के नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। और फिर ये भी कहा है कि अगर पता चला तो अगर कहीं अपने घर वालों से बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। आप वहाँ से कैसे निकली? मेरा मोबाइल भी छुड़ा लिया था, मैं बंद थी और मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसके बाद फिर मैं, मुझे कैसे वैसे मेरा मोबाइल मिला, फिर मैंने कॉल किया मेरी मम्मी से, संक्षिप्त में बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद फिर मेरे चाचा और पापा मुझे आए थे और वहाँ से फिर लेके आ गए हैं मुझे। कितने दिन तक आपको बंधक बना के रखा? कितने दिन तक आपको कमरे में बंद करके रखा? 10 दिन तक। किसकी शिकायत आपने पहले किसी थाने में की है? गढ़ थाने में की है मैंने। क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे उन लोगों ने पूरी बात सुनी है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये महिला का मामला है, आप महिला थाने में जाइए। महिला थाने वाले ने यही कहा है टीआई ने कि हम नहीं लेंगे, ये गढ़ थाने का मामला है, तो आप गढ़ थाने पर जाकर अपनी शिकायत वो करिए। एक घंटा से।